हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। इससे पहले हमने क्या देखा था, इन टू ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होगा, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो हम आते पहले इवन पे आते हैं, तो हम क्या लिखे, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि फंक्शन इवन कब होगा, ऑड कब होगा, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो लिख लो, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन इफ, मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ। इसको मैंने कैसे रीड किया, देखो इधर लिख भी लेता हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ। क्लियर है बच्चों? उसने क्या बोला, जो फंक्शन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इवन होगा। तो अब देखो, ध्यान से देखो, तुम इसमें हो क्या रहा है, जैसे मेरा क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखूं तो अगर जो वैल्यू है फंक्शन की 2 पे है, वाई माइनस 2 पे है। देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, दिस इज अवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे इसको क्या लिखूंगा मैं, जैसे दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, तो क्या करूंगा, एक्स के माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर है, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया, हेंस दिस एफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्लियर है? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और मुझे पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस एक्स ओनली। तो देखो अगेन दोनों बराबर आए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मेरा क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। और छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ, ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो क्या आएगा, इस एक्स के माइनस एक्स आएगा, और साइन जहां जहां भी एक्स है उधर मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स रखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स, और इधर से एक माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया, और इधर बचा साइन एक्स, तो ये कैन सी दोनों इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, हेंस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज इवन फंक्शन। क्लियर हुआ? और तो ऐसे हम कई एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, तो छोटे एग्जाम्पल लिए, अभी हम काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे आगे चल के, ठीक है, काफी बल्कि एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया मेरा इवन के लिए, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, और अब मैं क्या लिख लेता हूं ऑड के लिए, तो इसको तुम लोग कॉपी कर लो। तो फंक्शन एफ एक्स इवन कब होगा, जब एफ ऑफ, यही डेफिनेशन बस याद रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। चलो मैं इतना देख रहा हूं, अब देखना, अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड, अब मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखना, इज कॉल्ड ऑड, और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, मतलब एक इधर एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, और वही फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको कैसे रीड करूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, और फिर सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, कौन से एक्स, जो इस फंक्शन का डोमेन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, सबसे सिंपल से एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम क्या करो, f ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x, अब दिस इज बट माइनस ऑफ, अब x के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ माइनस x, अब इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसे बोल दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आएगा माइनस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, अब ये इक्वेशन ही तो होल्ड कर रही थी, ये लिखिए इधर, कि अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को ऑड बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा अपना साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स, और ये साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एफ एक्स, तो इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर हमारा हो गया माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और भी कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इनवर्स के ले लो तुम लोग, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा ऑड होगा, क्योंकि क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स,
फिर माइनस बाहर आ जाता है, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स, ये हम देख चुके हैं इनवर्स जब पढ़ा था अभी हमने। उसके बाद और मैं एक और के एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स के बाद हमने लिखा एन इनवर्स एक्स, दिस इज ऑल्सो ऑड, ये दोनों ऑड है, ठीक है समझ में आया। अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं आगे पॉइंट पे पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा जैसे इससे पहले वाला जो हमने क्लासिफिकेशन सीखा था उसमें क्या था ना कि फंक्शन क्या होगा, जैसे कोई फंक्शन इनटू है, इनटू नहीं है मान लो, तो उसको ऑन टू होना पड़ेगा, या फिर ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू होना पड़ेगा। मतलब उस वाले कैटेगरी में केवल दो ही जगह क्लासिफाइड था, मतलब ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, बट इधर ऐसा नहीं है। जैसे इधर क्या है कि अगर कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो इवन ही होगा, या फिर वाइस वर्सा, अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो ऑड होगा, वो ऐसा भी हो सकता है नीदर इवन नॉर ऑड। देखो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इनटू ऑन टू वाला क्लासिफिकेशन था ना उसमें तो दो ही कैटेगरी थी, इनटू या फिर ऑन टू, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं थी, कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो इनटू भी ना हो ऑन टू भी ना हो। बट इधर हमारा इवन ऑड में केस में तीसरी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसी के अंदर, नीदर इवन नॉर ऑड, मतलब ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यू कैन सी कि जो हमारा फंक्शन है fx, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो करके देख लो। जैसे मैंने ये तो मैंने लिखा f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस x निकालोगे तो क्या आएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ यू कैन सी ये इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर भी नहीं है और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर भी नहीं है, हैज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। और एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, सबसे कंफ्यूजिंग एग्जांपल जो बच्चों को होता है कॉस इनवर्स एक्स, वो ज्यादातर जनरली में क्या बोलते हैं, जैसे कॉस एक्स हमें पता है इवन होता है, जैसे इससे पहले हमने देखा था बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, बट इस केस में दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड। क्यों? क्योंकि जब मैंने लेट्स से ये मैंने पहले एफ एक्स लिख लिया तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब जल्दी जल्दी बच्चे लोग इसको क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, वो बोलते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली ये हमने देखा था इनवर्स जब पढ़ा था अभी, उसका इनवर्स का जो पार्ट पढ़ा था हमने फंक्शन में, उसमें हमने देखा था जो सेकंड कैटेगरी ऑफ इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, उसमें माइनस को बाहर लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यू कैन सी कि ये मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, तो इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब नेगेटिव टाइम्स भी नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है? तो इसको तुम ऐसे नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि फॉर इनटू ऑन टू वी हैव, इफ ए फंक्शन इज नॉट इनटू देन इट मस्ट बी ऑन टू एंड वाइस वर्सा, बट फॉर इवन एंड ऑड इट इज नॉट द केस, मतलब कि हमारा अगर फंक्शन जो है वो नीदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो अब वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करता हूं। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे हमारा जो अगर मान लो मुझे किसी फंक्शन को इवन या ऑड बोलना है, मतलब इवन या फिर ऑड कुछ तो बोलना है दोनों में से, उसके लिए एक चीज तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्या है फॉरमोस्ट थिंग, कि उसका जो डोमेन है ना वो होना चाहिए सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट शुड बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, लेट्स से मैं किसी फंक्शन को देखो जैसे मैंने इवन के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला इवन के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो खुद सोचो मैंने क्या बोला, अगर फंक्शन को मुझे क्लासिफाई करना है इवन ऑड, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी, दोनों में से अगर कोई किसी भी चीज को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ कोई फंक्शन को उन दोनों में से, तो उसका जो डोमेन होना चाहिए ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 रख रहा हूं तो माइनस 2 पे भी डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं होल्ड करेगी ना। इधर क्या होगा, जैसे 2 मैंने 2 लिया तो f ऑफ 2 तो डिफाइन होगा, अगर मान लो f ऑफ माइनस 2 नहीं डिफाइन हुआ तो ये इवन कहां से होगा, समझ में आया? तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है इवन ऑड के लिए, अगर मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है ये मेरा एक्स एक्सिस है, लेट्स से अल्फा से बीटा मेरा डिफाइन हो रहा है, कोई फंक्शन इवन है या ऑड है दोनों में से कोई भी है, तो 100% उसके डोमेन में ये भी आना चाहिए माइनस बीटा से माइनस अल्फा। अब क्लियर हो गया वो डायग्राम आई थिंक, समझ में आया? तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, टू क्लासिफाई फंक्शन एज इवन और ऑड, किसी फंक्शन को अगर मुझे क्लासिफाई करना है इवन ऑड में, इट शुड ऐसे लिख लो, टू क्लासिफाई फंक्शन एज इवन और ऑड, द डोमेन ऑफ द फंक्शन
the domain of the function should be symmetric, with respect to the origin, back to origin. क्लियर हो बच्चों? कुछ सोचो ना, अगर मान लो कोई के डोमेन में, जैसे मैंने इसी का लिया, लेट से मैंने कोई फंक्शन fx है, इसमें ये डोमेन 1 से 2 आ रहा है, और अगर मान लो इसका डोमेन सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेट से मैंने बोला 2 से, और लेट से ये माइनस 2 है, सॉरी ये माइनस 2 है, और ये लेट से माइनस 1.5 है, इतना है डोमेन, और इधर हमारा ये डोमेन था, तो क्या ये इवन हो सकता है? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इधर हमारा इतना पार्ट छूटा है ना, 1.5 से 2 के लिए राइट में तो डिफाइन है, बट लेफ्ट में डिफाइन नहीं होगा. क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि हमें अगर इवन ऑड क्लासिफाई करना है किसी फंक्शन को, कम से कम उसका ये तो होना ही चाहिए कि उसका जो डोमेन है ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन के अबाउट. दिस इज द प्राइमरी थिंग. मतलब इतना तो मिनिमम होगा, बाकी की चीज वो डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन एफ ऑफ माइनस एक्स. क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो इसके बेसिस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत से बच्चे उसमें गलती करते हैं, अगर इस पॉइंट को तुम लोग दिमाग में नहीं रखोगे तो 90% बच्चे लोग गलती करते हैं. क्या है एग्जाम्पल देखना. मैंने लिखा एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिया एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू. फिर मैंने बोला फाइन, लिख लो इधर पूरा, फाइन वेदर एफ एक्स इज इवन और ऑड. क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि पता करो फंक्शन इवन है ऑड है. तो सबसे पहले बच्चे लोग क्या करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस टू और नीचे बचेगा एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू से कैंसिल, फिर हमारा वाई कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, फिर बोलते हैं इवन. बट गलत है, ऑफकोर्स गलत है. क्यों गलत है? वीडियो पॉज करो, इस चीज के बारे में सोचो. Just think about this. गलती कहां हुई है? इस स्टेप से स्टेप आने. ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर नहीं है अभी. ठीक है? क्यों बराबर नहीं है? जैसा कि मैंने इस टाइप का एग्जांपल तुम लोगों को उसमें भी लिया था, y is equal to quadratic upon quadratic. उसमें एक फैक्टर कैंसिल करते हैं, तो मैं बोलता हूं ना कि y वो जो ओरिजिनल था और जो कैंसिल होने के बाद जो y आया, दे टू आर डिफरेंट थिंग. सिमिलरली हियर ऑल्सो, जब मैंने फैक्टर कैंसिल किया ना, तो आई शुड से y is equal to this, या फिर y is equal to this, comma, x not equal to 2. x not equal to 2. समझ में आया? तो अब खुद सोचो कि जैसे इसका ग्राफ क्या होगा, पहले ये सोचो. चलो ठीक है, मैं इसको एक मिनट के लिए रब कर रहा हूं. लेट मी रब दिस पार्ट. क्या बोला मैंने कि हम इसका ग्राफ ही बनाते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, हाँ ये इवन नहीं है. तो मैंने क्या किया, इसका कर्व बनाया, और डेफिनेटली मैं इसको कॉपी करूंगा इधर, x not equal to 2. कॉमा x not equal to 2. तो यू कैन सी कि y is equal to x square का कर्व बनाया, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. क्या ये मेरा रिक्वायर्ड कर्व है? नहीं, अभी नहीं है, मुझे ये भी इनकॉर्पोरेट करना है इसके अंदर. x नॉट इक्वल टू 2, और 2 पे हॉलो सर्कल आएगा, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है. तो अब कुछ सोचो कि ये इवन है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट में तो इसका डोमेन पूरा आ रहा है, ऑल रियल एक्सेस. लेफ्ट में राइट में पूरा एक्स एक्सेस आ रहा है क्या? नहीं, इधर 2 मिसिंग है ना. इसका डोमेन क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0, और इधर क्या है, 0 टू 2 ओपन यूनियन, ओपन 2 से इन्फिनिटी. तो डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक. हाँ, अगर मान लो ये कर्व ऐसे होता, इट इज समथिंग लाइक दिस, तब मैं बोलता दिस इज इवन. क्लियर है बच्चों? सो दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. इधर हमारा क्या है, डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक. समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है. अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ. देखना चेंज क्या कर रहा हूँ, तुम लोग एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना, ठीक है? तुम लोग इसको एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना, मैं इसको इसमें ही चेंज कर रहा हूँ. वीडियो पॉज करो, पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा. अब मैं चेंज क्या कर रहा हूं, देखना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, माइन्यूट सा. मैंने लिखा इसको लिखा 4, इसको लिखा 4, इसको एक्स स्क्वायर, और इसको 4, और इसको क्यूब. देखो क्या लिखा है मैंने, वही सेम क्वेश्चन है, बस वो चेंज कर दिया क्वेश्चन. एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, एक्स की क्यू, एक्स इसको स्क्वायर ही रहने दो, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4. क्लियर है? ये क्वेश्चन लिखो तुम लोग. अब बताओ सेम क्वेश्चन के लिए, फाइंड वेदर फंक्शन इज एफ, वेदर फंक्शन एफ एक्स इज इवन और ऑड.
ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ भाई, ठीक है। तो अगेन क्या स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो उधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर मैं क्या करूंगा, वाई इज इक्वल टू इस फैक्टर से इस फैक्टर को कैंसिल करूंगा और फिर लिखूंगा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर होना चाहिए, तब मेरा फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर मतलब इसके मतलब क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस टू कॉमा माइनस टू, प्लस टू कॉमा माइनस टू। अब देखो फंक्शन तुम्हारा अब क्या होगा, यही कर्व आएगा, बट अब क्या है, टू भी नहीं लेना है, माइनस टू भी नहीं लेना है, तो टू पे भी ओपन सर्कल है और इधर माइनस टू पे भी ओपन सर्कल है। अब देखो डोमेन इज सिमेट्रिकली प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इधर टू मिसिंग है, इधर माइनस टू मिसिंग है। नाउ दिस इज इवन, समझ में आया इससे पहले वाले में क्या दिक्कत हुई थी, ठीक है ना। तो कभी भी हम किसी ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो हमें यूज करना है, कभी भी कोई फैक्टर कैंसिल कर रहा है ना, तो हमें कॉमा करके लिखना है कि वो फैक्टर जब जीरो हो रहा है ना, वो एक्स की वैल्यू हटाना है हमको। जैसे मैंने इधर लिखा एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू फोर, क्योंकि एक्स स्क्वायर फोर होगा तब हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर इज जीरो, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के लिए ये तो डिफाइन है, तो मैं इसको इसके बराबर तो नहीं लिख सकता हूँ ना, हैज आई टू पुट सम कंडीशन कि हाँ भाई एक्स फोर एक्स स्क्वायर फोर के बराबर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो याद रखना अभी हमने क्या क्या सीखा, एक तो सबसे पहले इवन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर ऑड की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तीसरी चीज हमने देखी कि किसी फंक्शन को हमको क्लासीफाई करना है इवन ऑड में, कम से कम ऐसा उसमें ये तो होना ही चाहिए मिनिमम कि उसका जो डोमेन है ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके बेसिस पे हमने ये एग्जांपल देख लिया। क्लियर है, चलो अब देखना, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पॉइंट क्या है कि जो नेक्स्ट नोट के फॉर्म में लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड, अरे ऐसे लिख लो फॉर इवन फंक्शन द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा, फॉर इवन फंक्शन द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन एफ एक्स। क्या बोला उसने कि जैसे कि मेरा कोई फंक्शन इवन है तो उस पर वो बोल रहा है अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा टाइप के पॉइंट उस पर लाई करेंगे। जैसे मैंने लिखा टू कॉमा थ्री, अगर किसी इवन फंक्शन पर लाई कर रहा है तो 100% उस फंक्शन पर माइनस टू कॉमा थ्री भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करना है, उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। यू कैन नोट इट डाउन, देखो ये रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह टू रखेंगे तो एफ ऑफ टू आएगा विच इज थ्री, इधर एक्स की जगह माइनस टू रखूंगा तो कितना आएगा एफ ऑफ टू विच इज थ्री। क्लियर है बच्चों? तो क्या बोला मैंने कि अगर फंक्शन इवन है और अगर उस फंक्शन उस कर्व पर अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है तो पक्का उस पॉइंट उस कर्व पे माइनस अल्फा कॉमा बीटा लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अभी खत्म नहीं हुआ नोट, फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुनना इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं, अब देखना जो अल्फा कॉमा बीटा है ना एंड माइनस कॉमा अल्फा बीटा, तो प्लॉट करके देखो अल्फा बीटा कुछ भी हो, अगर लेट से मैंने अल्फा ये लिया बीटा ये लिया, तो लेट से दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो मेरा पॉइंट आएगा ये वाला। लेट से चलो नंबर लेते हैं तो ज्यादा दिमाग में अच्छे से आएगा, लेट से 2.3 मेरा अल्फा कॉमा बीटा हो गया 2.3। अब एक बार मार्क करके देखो माइनस 2.3 कहाँ आ रहा है, तो यू विल सी कि माइनस 2.3 यहाँ आएगा, हाइट तो सेम रहेगी ये 3 और ये माइनस 2 होगा। तो इन दोनों पॉइंट में क्या खासियत है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट में क्या खासियत है, दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ दे आर मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। सुनना ध्यान से, अभी पूरी हिस्ट्री एक कंप्लीट नोट है। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टार्ट किया अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा, ये दोनों लाई करेंगे एफ एक्स इज अगर फंक्शन इवन है। दूसरी बात, ये जो दो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा, दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब क्लब कर रहा हूँ, सिंस दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, देयर एंड दे बोथ लाइज ऑन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज इवन, हेंस ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज
मिरर या फिर सिमेट्रिकली अबाउट वाई एक्सिस, या फिर ऐसे बोल सकता हूं इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज होगा अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर है, चलो लिख लेते हैं इसको। मैंने लिखा फॉर एन इवन फंक्शन द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा लाइंस ऑन एफ एक्स। सेकंड पॉइंट, सिंस अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड with respect to y axis, since alpha comma beta and minus alpha comma beta are symmetrically placed with respect to y axis and both lies on even function and both lies on fx which is even, hence अब कंक्लूड कर रहा है, hence the graph of even function is mirror image या फिर symmetrically placed one and the same thing mirror image about y axis। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार और देख लेते हैं, जैसे मैंने, चलो एग्जांपल ही देखते हैं। मैंने लिखा y is equal to, जैसे हमने e1 का एग्जांपल लिया था तो मैंने उधर मेंशन किया था e1 का एग्जांपल cos x, तो यू कैन सी cos x का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो यू कैन सी कि इस साइड का ग्राफ क्या आता है, ऐसे आता है। तो यू कैन सी y axis मिरर इमेज है ना, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकली अबाउट y axis, या फिर ऐसे बोल सकता हूं सिमेट्रिकली प्लेस, या फिर बोलूंगा मिरर इमेज अबाउट y axis। तो e1 फंक्शन क्या होगा, y axis के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है कहानी? कैसे स्टार्ट किया मैंने, दोबारा एक बार मैंने बोला कि जो अल्फा कॉमा बीटा है एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा, इस टाइप के पॉइंट्स जो हैं दे लाइज ऑन इवन फंक्शन, पहली बात। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इवन फंक्शन पे लाई कर रहे हैं एंड ये दोनों पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, ये दोनों कर्व पे भी लाई कर रहे हैं और दोनों सिमेट्रिकली प्लेस है वाई एक्सिस के अबाउट, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे एंड दोज इनफाइनाइट पॉइंट्स आर ऑन द कर्व, has the curve of even function क्या होगा, symmetric with respect to y-axis, या फिर बोल सकते हैं mirror image about y-axis। मैंने बहुत emphasize कर दिया थोड़ा, ठीक है, I hope समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम एक odd के लिए देख लेते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं अब odd पे कंटिन्यू करता हूँ। देखना ध्यान से, अब मैं odd पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखवाऊंगा, तुम लोग उसको एक्सपेंड करना, ठीक है ना, आई जस्ट डिक्टेट इट एक्चुअली, तुम लोग इसको चेंज करना, जैसे हमने इधर लिखा था उसी टाइप से लिखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर ऑड फंक्शन, इधर ही चेंज कर रहा हूं, फॉर ऑड फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा लाइज ऑन एफ एक्स। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, मेरा बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर मैंने मान लो टू कॉम, ये मेरा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये मेरा, चलो हाँ, तो मैंने बोला 2.3 अगर fx पे लाई कर रहा है तो -2, -3 लाई करेगा ही, अगर फंक्शन ऑड है तो, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। चलो अब मैंने लिखा 2.3, लेट से ये आ गया 2.3 और -2.3 क्या होगा, दिस इज -2 एंड दिस इज 3, तो मेरा यहाँ का ही आएगा, ठीक है। अभी देखना इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो भी देखेंगे हम, ठीक है ना, कि ग्राफ सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फॉर इवन फंक्शन, उस चीज का एप्लीकेशन भी आएगा न्यूमेरिकल्स में, तब और मजा आएगा। अभी सुनो, अभी हम ऑड पे आ रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, इस कैटेगरी के पॉइंट्स जो होंगे फॉर एग्जाम्पल 2.3 एंड -2, -3, ये ऑड फंक्शन पे आएंगे। अब इन दोनों पॉइंट में क्या खासियत है, ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो वो जो पॉइंट थे 2.3 एंड -2.3, वो सिमेट्रिकली प्लेस थे किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एंड दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्लियर है। ये क्या होगा -2, -3 और ये क्या होगा 2.3। अब वही कहानी कि अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा बीटा, एक तो एफ एक्स पे लाई कर रहा है, प्लस ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दे आर सिमेट्रिकली प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूड क्या बोलूंगा, जो y, जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिंपल, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन लिख लो तुम लोग उसको, और वैसे ही स्टार्ट करना जैसे मैंने उधर लिखा था। इसके आगे क्या लिखोगे, सिंस
alpha comma beta and minus alpha comma beta are symmetrically placed with respect to origin. चलो लिख ही देता हूं मैं. मैं लिखा सिंस अल्फा कॉमा बीटा एंड माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड बोथ लाइज ऑन एंड बोथ लाइज ऑन एफ एक्स विच इज ऑड. Hence, graph of odd function is symmetric with respect to origin. I hope clear हुआ होगा. ठीक है ना. जैसे example भी देख सकते हो तुम. जैसे हमने ये मैं इसको रब कर देता हूँ इस वाले पार्ट को. तुम लोग कॉपी करना. मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे क्या क्या एग्जांपल लिए थे ऑड के. एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स y इज इक्वल टू sin x. तो यू कैन सी y x इज इक्वल टू sin x का ग्राफ क्या है. ऐसा होता है ओरिजिन के अबाउट. तो यू कैन सी अगर ये पॉइंट मेरा लेट्स से दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 1. तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा मेरा माइनस पाई बाय 2 कॉमा माइनस 1. तो दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो मेरा ग्राफ यू कैन सी जो y इज इक्वल टू sin x दिस इज y इज इक्वल टू sin ऑफ x. इसका ग्राफ क्या है. इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है. अभी हम इसके एप्लीकेशन पे आते हैं. तो अभी अभी हमने कंक्लूजन क्या लिखेंगे. अब लिखेंगे नहीं मतलब दिमाग में क्या रखेंगे कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. इतना याद रखेंगे. क्लियर है बच्चों. तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी कर लो. अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं छोटा सा. देखना तो मैं इसको रब कर देता हूं. क्या बोला मैंने देखना. अब मान लो इसका एप्लीकेशन क्या है. छोटा सा एप्लीकेशन और एक रेंज के लिए भी होगा वो आगे चल के देखेंगे रेंज निकालने के लिए. बट छोटा सा एप्लीकेशन क्या है कि अगर मान लो मुझे y इक्वल टू fx का कर्व दे रखा है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस या फिर लेफ्ट किसी भी एक साइड पे दे रखा है. तो लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूं इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x is given on one side of y-axis and we have to draw graph for other side then. So now then अब आते हैं हम इसके दो पॉइंट्स पे. क्या होगा देखो उसने बोला कि y एक्सिस की एक साइड उसका ग्राफ दे रखा है और फिर मुझे उसी ग्राफ को दूसरे साइड पे बनाना है. मतलब दूसरे जैसे मैंने बोला जीरो से इन्फिनिटी के लिए x belongs to 0 to infinity के लिए उसका ग्राफ दे दिया और मुझे बनाना माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए. तब हम बोल रहे हैं क्या करेंगे. तो क्या करेंगे देन इफ फंक्शन इज इवन देन टेक reflection of graph about y-axis. ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्योंकि हमें पता है कि even function के लिए जो graph होता है it is mirror image about y-axis या फिर symmetrically placed with respect to y-axis for even function. अब यही चीज मैं क्या लिखूंगा. If तुम लिख लेना function is odd then अब सुनना then take reflection of graph About origin. ठीक है. अगर function odd है और अगर neither even nor odd है फिर हम नहीं बना सकते उसका graph negative x-axis के लिए. clear है. अगर even और odd है और मुझे किसी भी एक side पे graph दे रखा है तो दूसरी side पे बना सकता हूँ. कैसे. even है तो जो given graph था उसका reflection लिया y-axis के about और अगर odd है तो उस graph का reflection लिया origin के about. ठीक है. यहाँ तक clear है. अब सुनना मैंने बोला देखो कोई भी ग्राफ है रिफ्लेक्शन लेना y एक्सिस के अबाउट तो बहुत आसान होता है. कैसे. जैसे मैंने लिखा लेट्स से मैंने बोला ये मेरा ग्राफ है लेट्स से दिस इज सम ग्राफ व्हिच और उसने बोल दिया दिस इज इवन. तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन लेना है ओरिजिन के अबाउट सॉरी y एक्सिस के अबाउट तो सिंपली ये ले लिया. ठीक है. दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट. बट अगर मुझको कोई बोले इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट लिखो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है सोचने में. क्योंकि y एक्सिस के अबाउट तो ठीक है इधर मिरर लगा दिया तो दिखता है कि भाई
ये दोनों अगर मिरर लगा दिया तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट वॉट अबाउट ओरिजिन? तो उसको निकालने के लिए क्या एक छोटा सा थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक मतलब बोल सकता हूँ ट्रिक बोल सकता हूँ मैं, क्या क्या करो, किसी भी ग्राफ का मुझे अगर ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, नॉट ओनली फॉर दिस पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ जनरल पॉइंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर कोई भी ग्राफ है, लेट्स से यही वाला ग्राफ है, इसका मुझे ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, तो क्या करें? दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि पहले इसका रिफ्लेक्शन लो वाई एक्सिस की तरफ, क्या ले लो इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे, सो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। फिर क्या करो, जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ आया उसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या होगा इस वाले का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये। अब क्या होगा, दिस एंड दिस आर मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, तो इसको मिटा दो। क्लियर हुआ क्या होगा, मेरे को क्या करना है कि जो गिवन ग्राफ है उसका मुझे ओवरऑल रिफ्लेक्शन चाहिए ओरिजिन के अबाउट, तो पहले मैंने उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लिया वाई एक्सिस पे और जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ था उसका दोबारा एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो मेरे को क्या होगा, जो ऑब्टेन्ड ग्राफ होगा ना, दिस इज मिरर इमेज ऑफ दिस वन, ठीक है। या फिर उल्टा कर सकता था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, आई कैन टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, फिर मेरा क्या आता, देखो फिर मेरा इसका मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लेता तो ये आता, फिर मैं इसका वाई एक्सिस के अबाउट लेता तो यही आ जाता, तो कैसे भी जा सकते हैं, बट हाँ हमें दो बार रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं इस वाले सेकंड पॉइंट को ही मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या बोलूंगा, फर्स्ट टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस एंड देन टेक अबाउट एक्स एक्सिस या फिर वाई से बढ़ता, वो तुम लिखना। मैंने क्या बोला, किसी भी ग्राफ का मुझे अगर रिफ्लेक्शन चाहिए ओरिजिन के अबाउट, तो क्या करें हम, फर्स्ट टेक रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, देन टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने कहा छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। मैंने लिखा इसको मैं रब कर ही देता हूँ, तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ अपना ऑड वाला, जैसे मैंने ले लिया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, विच इज ऑड, ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो अब मेरे को लेट से मुझे इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पता है, ये है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ये ग्राफ है। अब मैंने बोला इसका रिफ्लेक्शन लेना है मुझे ओरिजिन के अबाउट, तो मेरे को पूरा ग्राफ मिल जाएगा। तो क्या करें हम, पहले इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, लेट्स से मैं एक्स एक्सिस से पहला ले रहा हूं, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा पहले एक्स एक्सिस पे, सो दिस विल बी दिस थिंग। अब जो रिफ्लेक्टेड ग्राफ आया, दैट इज ऑब्टेंड हियर, इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में ले लिया, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मैंने इसको रब कर दिया, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया था मेरा, सो दिस इज एंटायर ग्राफ ऑफ दिस। तो अब समझ में आया एप्लीकेशन क्या हुआ हमारा, क्या एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन है ये, इवन ऑड का, कि अगर मान लो फंक्शन इवन है और मुझे वाई एक्सिस की किसी भी एक साइड पे उसका ग्राफ दे रखा है, तो मैं दूसरी साइड पे ऑब्टेन करने के लिए क्या करूं, उसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा वाई एक्सिस के अबाउट, और अगर फंक्शन ऑड है तो उसका रिफ्लेक्शन लूंगा ओरिजिन के अबाउट, और ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना इज इक्विवेलेंट टू पहले एक्स एक्सिस के अबाउट लेना, फिर वाई एक्सिस के अबाउट, और वाई से वर्सा, पहले वाई एक्सिस के अबाउट फिर एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करो, इसको भी एग्जांपल कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट नोट पे जा रहा हूं, अब देखना मैं क्या बोला, एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा ही पॉइंट है, देखना मैंने बोला अगर कोई फंक्शन ऑड है ना, और अगर वो जीरो पे डिफाइन है, मैंने ये नहीं बोला कि जीरो पे हमेशा ऑड फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं बहुत से एग्जांपल बना सकता हूँ कि जिसमें जीरो पे डिफाइन ही ना हो, जैसे मैंने सिंपल से एक एग्जांपल ले लिया, लेट से ये मेरा फंक्शन, ठीक है, दिस इज ऑड फंक्शन, बट जीरो पे तो डिफाइन नहीं है। बट मैं अभी नोट में क्या लिखवा रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन ऑड है, प्लस If it is defined at zero, अगर उसने जीरो पे डिफाइन किया है वो फंक्शन को, तो पक्का उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए at x is equal to zero, ये स्टेटमेंट है। तो इसको लिख लो, फिर हम समझेंगे कैसे आया। मैंने लिखा if function let's say fx, if function fx is odd and if it is defined at x is equal to zero, then its value should be zero
should be 0 at x is equal to 0. That is mathematically क्या लिखेंगे, f of 0 is equal to 0. उसने बोला कि अगर फंक्शन हमारा ऑड है और अगर डिफाइन है तो पक्का उसकी वैल्यू जीरो होगी ओरिजिन पे. हाँ अगर डिफाइन नहीं है तो ठीक है, नहीं है, कोई वैल्यू नहीं हो सकती, जीरो नहीं होगी. बट हाँ अगर डिफाइन है तो पक्का जीरो होगी. तो देखने इसको प्रूफ करते हैं. एक ही लाइन का प्रूफ है. हालांकि उसने फंक्शन ऑड दिया है तो अभी तक मुझे ऑड के बारे में क्या पता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पता है, वो चीज मैं यूज करूंगा. तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं. सिंस फंक्शन इज ऑड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स. अब मैंने क्या लिखा, ये तो ऑड फंक्शन के लिए डिफाइन है और ये तो मतलब ऑड फंक्शन के लिए डेफिनेशन है, प्लस उसने बोला है जीरो पे डिफाइन है, तो मैं x इज इक्वल टू जीरो रख सकता हूँ. तो x इज इक्वल टू जीरो रखा तो इधर से क्या है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस जीरो. एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जीरो. हाँ, तो इधर से क्या है, टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. हैंस प्रूफ, वही इसने बोला था कि अगर ऑड फंक्शन है प्लस इट इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू जीरो देन इट्स वैल्यू मस्ट बी जीरो. क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब एक टेबल बना रहा हूं मैं. ठीक है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, सम प्रोडक्ट डिवीजन वगैरह का देखेंगे कि दो फंक्शन के, दो फंक्शन इवन ऑड दे रखे हैं, फिर उनका सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, उसके ऊपर एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको तुम लोग कॉपी करो. अब देखना, मैं इधर ले रहा हूं एफ एक्स, इधर जी एक्स, फिर इधर इनका एडिशन डिफरेंस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स. इधर मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स. इधर कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. और इधर कॉन्स्टेंट एड कर रहा हूँ एफ एक्स प्लस सी. अभी समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ. अब मैंने, और इधर चलो सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर. देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं. ये इवन है, ये इवन है, ये दोनों ऑड है, फिर एक इवन एक ऑड. अच्छा ऑड इवन नहीं लिख रहा हूं, वो तो इसी में कवर हो जाएगा. ठीक है ना, ये सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3. अब तुम लोग को बताना है, ठीक है, तुम लोग पहले खुद से टेबल फिल करो कि अगर एफ एक्स, जैसे मैं समझा देता हूं पहले, एफ एक्स और जी एक्स दोनों इवन है तो उन दोनों का सम क्या होगा, सम या डिफरेंस, वन एंड द सेम थिंग, सेम होगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख रहा हूं. उनका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा मतलब इवन होगा या ऑड होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब वी कैन नॉट कमेंट. तो तुम्हें भरना है इस कॉलम में, जैसे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ. ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, एग्जांपल लेके तुम टेबल भरो. ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तुम्हें उतना रटना नहीं पड़ेगा. और रटना नहीं है टेबल, अगेन आई एम सेइंग रटना नहीं है. ठीक है, तुम खुद से भरो पहले. ठीक है, और मैं अब बताने जा रहा हूँ, सुनना. दोनों फंक्शन इवन है तो हमारा सम क्या होगा, ऑफ कोर्स इवन होगा, क्योंकि खुद सोचो अगर लेट्स से मैंने एक एक्स स्क्वायर लिया, एक ले लिया एक्स की पावर 4, तो अगर मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक तो लिया एक्स स्क्वायर विच इज इवन प्लस एक्स की पावर 4 विच इज इवन, तो जब दोबारा एफ एक्स या माइनस एक्स रखोगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स की पावर 4 आएगा, हेंस दिस इज इवन. ठीक है, अच्छा अब दोनों अगर ऑड है, दोनों अगर ऑड है तो डेफिनेटली लेट्स से ऑड का एग्जांपल ले लें, एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो इधर से ही माइनस कॉमन आएगा, इधर से ही माइनस कॉमन आएगा, तो ओवरऑल माइनस कॉमन आ जाएगा, हैंस दिस इज ऑड. हाँ अगर एक इवन एक ऑड है तो उसका जैसे एग्जांपल भी हमने लिया था अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक इवन एक ऑड है तब हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते. कमेंट नहीं करेंगे मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस केस में नहीं हो रहा है इधर इवन ऑड, तो इधर क्या लिखूंगा, नो कमेंट, ऐसे लिख दो नो कमेंट, एंड मतलब नो कमेंट्स, वी कैन नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इवन या ऑड होगा. हाँ इन दोनों केस में करेक्ट है बिल्कुल, दोनों इवन है तो पक्का सम इवन आएगा, दोनों ऑड है तो पक्का ऑड आएगा. क्लियर है बच्चों? चलो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज तुम लोग फिल करो. ठीक है, एक तो एग्जांपल देखो, फिल करने के लिए क्या लो, बेस्ट एग्जांपल होता है एक तो पॉलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर, जब भी हमें ऑड लेना है तो एक्स ले लो, इवन लेना है तो एक्स स्क्वायर ले लो, या फिर यू कैन जंप टू ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल्सो. ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ऑड लेना है तो साइन एक्स ले लो, इवन लेना है तो कॉस एक्स ले लो, जस्ट टू सी कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है या डिफरेंस क्या हो रहा है. समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे इधर ही निकालना है, लेट्स से एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालना है, तो दोनों इवन है तो इवन इंटू इवन ले लो, कोई भी इवन का एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से कॉस एक्स ले लिया, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चलो पॉलिनोमियल पे जंप करते हैं, एक्स स्क्वायर और दूसरा भी एक्स स्क्वायर ले लिया, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक्स की पावर 4 विच इज ऑल्सो इवन. या फिर ऐसे ले सकते थे कॉस एक्स और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स विच इज अगेन इवन, तो हेंस इट इज शुड बी इवन. क्लियर है? मजेदार चीज इधर है, बहुत से बच्चे इधर
सिमेट्री मेंटेन करने के लिए क्या लिखते हैं ऑड, बट इधर भी इवन आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई. कैसे, सबसे बेस्ट एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल, एक्स और एक्स ले लिया, ऑड है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, एक्स स्क्वायर विच इज इवन, हेंस दिस इज इवन. या फिर ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल भी ले सकते थे, साइन एक्स साइन एक्स, इसका वो क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स आएगा, विच इज अगेन इवन. समझ में आया? और क्योंकि क्या हो रहा है, इधर से भी एक माइनस कॉमन आ रहा है, इधर से भी एक माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, इसलिए वो ओवरऑल इवन आ रहा है. अच्छा, एक इवन और एक ऑड होगा, ये भी एक अच्छा केस है, एक इवन और एक ऑड होगा. तो अब खुद सोचो, वीडियो पॉज करो एक मिनट के लिए, यही वाला एग्जांपल ले लो, यही वाले से मतलब पॉलिनोमियल ले लो. तो एक इवन के लिए तो ये, ऑड के लिए तो ये हो गया, इवन को मैंने इसको एक्स स्क्वायर कर दिया. अब सोचो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब, विच इज नथिंग बट अ ऑड, हेंस दिस इज ऑड. तो समझ में आया कैसे बताया? जब भी बेस्ट बेस्ट, जैसे मेरे को भी कभी कन्फ्यूजन होता है ना, तो कभी हम पुट करके रख लेते हैं, रटता नहीं होगी, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड इंटू इवन ऑड होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है, इतना रटना नहीं है. सिंपल टेक इधर एल्जेब्रिक एग्जाम्पल मन में, और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल. ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस लेंगे इवन ऑड के लिए, इधर एक्स और एक्स स्क्वायर लेंगे, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. अच्छा, अब आओ इस पे, एफ ऑफ जी एक्स. तो इसको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो. तो अब मेरा क्या है, इधर दोनों इवन है, तो कॉस कॉस ले लेते हैं, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये मेरा एफ एक्स है, दिस इज एफ ऑफ, सॉरी एच मान लिया मैंने, कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ एक्स, तो दिस इज एफ ऑफ जी एक्स. तो एक्स ये माइनस एक्स रखोगे तो इधर ही मर्ज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या आएगा हमारा, कॉस ऑफ कॉस एक्स ही आएगा. कहने का मतलब एच ऑफ माइनस एक्स जो है मेरा क्या आएगा, एच एक्स के बराबर ही आ जाएगा, हेंस दिस इज इवन ओनली. ठीक है, अब आते हैं ऑड ऑफ ऑड पे. तो ऑड ऑफ ऑड के लिए मैंने ले लिया साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, दिस इज लेट्स से मैं एच एक्स कंपोजिट फंक्शन. तो मैं एच ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, तो खुद सोचो क्या होगा, इधर से जब एक्स के माइनस एक्स रखूंगा तो इधर से माइनस इधर इधर आएगा बाहर, और ये वाला जो है ओवरऑल इसका आर्ग्यूमेंट है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस बाहर इधर बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स के बराबर, हैज दिस इज ऑड. तो ये हमारा ऑड हो गया. अच्छा, अब इस पे आते हैं इवन ऑफ ऑड. अब इवन ऑफ ऑड के लिए क्या ले, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा जी हो गया, टोटल कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ एक्स. रख के देखो, एक्स के माइनस एक्स रखोगे तो ये साइन एक्स तो माइनस को बाहर निकाल देगा, जैसे मैंने लिखा दिस इज माय एच ऑफ एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स विल बी कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स. अब सिंस बाहर वाला फंक्शन इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो दिस विल बी कॉस ऑफ साइन एक्स. तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया, एच एक्स के बराबर आ गया, हेंस दिस इज इवन. तो देखो रटना नहीं पड़ा हमें, क्लियर हो बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं पड़ा. अब लास्ट वाला कॉलम भरते हैं, इवन प्लस सम कांस्टेंट. एफ एक्स इवन लिया तो जी एक्स भी ले सकते हो कुछ भी, तो लेट्स से मैंने एफ एक्स ले लिया, उधर से एक उठा लिया, तो इसमें तो दो ही कॉलम, दो ही भरने पड़ेंगे एक्चुअली हमें, एक तो इवन या ऑड के लिए. तो लेट्स से पहला वाला बड़ा इवन, तो इवन है प्लस कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, तो एग्जांपल के तौर पर लिख लो एफ एक्स को, लेट्स से मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस कांस्टेंट की जगह 6 ले लिया, अगर ये मेरा एफ एक्स है तो क्या ये इवन है, हाँ ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही आएगा, सो हेंस दिस इज इवन. अच्छा, इधर क्या है मेरा एफ एक्स ऑड. अब सुनना ऑड के लिए क्या होगा, तो ऑड के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्स ले लिया, एक्स प्लस 6. अब इंपॉर्टेंट मजेदार चीज है, अगेन बच्चे लोग इधर जल्दी जल्दी में गलती बढ़ते हैं, खुद सोचो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, लिख लेते हैं चलो इधर, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स प्लस 6. तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, क्या ये एक दूसरे के बराबर है या फिर एक दूसरे के नेगेटिव है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हेंस नो कमेंट, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, एंड लास्टली, तो लास्ट तो वही चीज हो गई, क्योंकि मैंने एफ एक्स को इवन बोला था, इधर भी इवन है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, इवन. क्लियर हो बच्चों, समझ में आया? चलो अब वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसको कॉपी करो. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं. हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट नोट पे. नेक्स्ट नोट क्या है कि अगर मान लो मुझे ऐसा बोले कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या दुनिया में जो इवन भी है ऑड भी है, जस्ट थिंक इट अबाउट, एक बार सोचो दो मिनट के लिए, मैं इसको डिस्कस करता हूं. तो इसको ऐसे नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, अ फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड इज डैश. तो मैं डैश पढ़ना है,
ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, इसका डेफिनेशन निकालते हैं, क्या फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब फंक्शन क्या होगा। तो मैंने लिखा अगर फंक्शन इवन है तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको होल्ड करेगा, दिस इज माई इक्वेशन वन। अब वो एफ एक्स के बारे में क्या बोल रहा है, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब वो ऑड भी है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसको मैंने इक्वेशन टू बोला, मुझे एफ एक्स पे कमेंट करना है, तो यू कैन क्या हम करें इन दोनों इक्वेशन का, सो दैट एफ एक्स अकेला बचे हमारे पास, सिंपली ऐड कर देते हैं, जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो क्या आएगा, टू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इधर से क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, हमारा क्या फंक्शन हुआ, वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द ओनली कर्व या फिर ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड, तो हमारा एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है। अब देखें कि भाई अगर इवन ऑड है तो उसकी प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए, तो इज इट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, हाँ बिल्कुल है, तो कैसे है देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये वाई इज इक्वल टू जीरो कर्व है, ये वाई इज इक्वल टू जीरो कर्व है, सॉरी ये मेरा पूरा वाई वाई एक्सिस है, तो क्या ये दोनों कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक, हाँ बिल्कुल है। अच्छा तो इसके इसका वाला इवन हो गया, ऑड के लिए क्या था, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक करने के लिए क्या बोला था, वेरीफाई करने के लिए पहले मैंने लेट्स से इसका इसका रिफ्लेक्शन लिया वाई एक्सिस के अबाउट, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यही चीज आ जाएगी मेरी, या फिर डायरेक्टली दिख रहा है ओरिजिन इज दिस, तो मैं क्या बोलूंगा इसका रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाई एक्सिस पे भी और ओरिजिन पे भी। देखो किसी भी लाइन, जैसे मैंने बोला किसी भी, जैसे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मैं बोल रहा हूँ, चलो लाइन का बोल रहा हूँ, इस लाइन का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इतनी दूरी हो जाएगा ये पॉइंट, तो सिमिलरली ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा पॉइंट है, दिस इज अ लाइन, तो इसी पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाली लाइन, तो वाई इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली कर्व विच इज इवन एज वेल एज ऑड, इसको नोट करके लिख लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत मजेदार चीज है, और उसको मैं रेफर किया था जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, कब रेफर किया था दैट यू, अभी मैं बताता हूँ क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है उसका डोमेन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ अ फंक्शन एफ एक्स एफ ऑफ एक्स हैज सिमेट्रिक डोमेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर मान लो किसी कोई फंक्शन है fx, ठीक है ना, उसका डोमेन सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, तब क्या होगा, देन लिखो, देन फर्स्ट पार्ट fx प्लस f ऑफ माइनस x विल बी इवन। अब क्लिक कर गया, वो मैट्रिक्स में कहां रेफर किया था मैंने इसको, जब हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a and a minus a transpose will be skew symmetric, तो उसके corresponding क्या होगा हमारा second point इधर, fx minus f of minus x will be odd, that you can prove also, बहुत आसान proof है, जैसे proof कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाले लिया मैंने, let's say मैंने इसको h of x बोल दिया एक नया function, तो अब मुझे prove करना है h of x जो है वो even है, तो मैं h of minus x निकाल लेता हूँ, अगर h of minus x hx के बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा फंक्शन इज इवन, तो मैंने क्या किया इसी इक्वेशन में जहां भी x है वहां माइनस एक्स रख दिया, x के माइनस एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस, इधर माइनस रखूंगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या था मेरा एच एक्स, तो दिस इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो एच एक्स मेरा किसके बराबर आ गया, एच ऑफ माइनस एक्स, हेंस एच एक्स इज इवन, एक ही लाइन का ये है, इसमें क्या होगा इंटरचेंज हो जाएंगे, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, कैसे, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई एच एक्स, तो मैंने एच ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो क्या आएगा, इधर आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ, ये माइनस ऑफ माइनस अगेन इट विल बी एक्स, अब क्या क्या इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये मेरा क्या है एच एक्स, तो ये माइनस एक ऑलरेडी बाहर लिखा है, ये मेरा एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स है, तो अब मैंने इधर से क्या आ गया एच ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया, इसको अगर इस माइनस को मैं इस साइड लिख लेता हूँ तो माइनस ऑफ एच ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो हमारी किसकी डेफिनेशन होती है ऑड, हैंस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी ऑड, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा तो अब इन दोनों से, चलो भाई एक काम करो पहले वीडियो पॉज करके तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखना
ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो उधर मैंने बताया था जैसे ए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता था, सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक। तो फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम, ऑफकोर्स स्क्वायर होना चाहिए, उसको हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार इधर हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन हो बट क्या होना चाहिए, हाँ वो सिमेट्रिकली डोमेन उसका सिमेट्रिक होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन होनी चाहिए। तो हम उस फंक्शन कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन उसको क्या लिख सकते हैं, हम सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, दुनिया के किसी भी फंक्शन, कैसे मैं इसको रब कर देता हूँ वो बताता हूँ। जैसे उधर किया था हमने, क्या किया था, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, वही इधर करेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ एक्स को देखना, ध्यान से देखो, कोई भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी फंक्शन है उसको आई कैन राइट इट एज सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन। कैसे लिखेंगे देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ टाइम्स क्या लिखा मैंने, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो एक मिनट, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स गया, एफ एक्स बाई टू एफ एक्स बाई टू, तो एफ एक्स ही आ गया। तो मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर लिखे अभी, क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये जो फंक्शन है वो क्या है, अभी हमने प्रूफ किया दिस इज इवन, और ये अभी हमने प्रूफ किया था क्या है, ऑड। तो क्या आ गया, एफ एक्स एनी फंक्शन एफ एक्स, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए, कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, एनी फंक्शन हैविंग सिमेट्रिक डोमेन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट इन अ वर्ड्स फॉर्म, ठीक है ना, लिखना है इसको, एस्केप नहीं करना, वीडियो पॉज करो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू जस्ट राइट डाउन, एनी फंक्शन एफ एक्स हुज डोमेन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो देखो ये मेरा क्या है एफ एक्स, मैं इसका एग्जाम्पल मतलब ये बता रहा हूँ, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या है ये मेरा एफ एक्स आया, ये क्या होता है इवन, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज इवन। जैसे मैंने लिखा एल एन ऑफ फोर प्लस एक्स माइनस एल एन ऑफ फोर माइनस एक्स, तो अगर क्लिक करेगा मुझे डायरेक्टली, मैं निकाल के नहीं देखूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ऑड। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो इधर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो और कॉपी करो इसको। अब देखना एक पॉइंट है छोटा सा, इवन ऑड एक्सटेंशन लिख लो, इवन ऑड एक्सटेंशन, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बहुत कम चांसेस है आने के, बट फिर भी हम लिख लेते हैं इवन ऑड एक्सटेंशन। इवन ऑड एक्सटेंशन क्या है कि जैसे तुम्हें ना कोई कर्व दिया है, लेट्स से कोई ग्राफ दिया है, फंक्शन एफ एक्स दिया है, और उसने ऐसा दे दिया, लेट्स से अल्फा से बीटा के लिए दे रखा है, ठीक है, अल्फा से बीटा के लिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेट्स से दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स मतलब कोई तो कर्व है वो दे रखा है। फिर उसने बोला है कि अगर फंक्शन इवन है तो उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर फंक्शन ऑड है तब उसकी डेफिनेशन क्या होगी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो चीज है। तो लिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं, इफ, इसको चेंज कर लेता हूं पेन को, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर वन साइड ऑफ वाई एक्सिस, वन साइड ऑफ वाई एक्सिस, फॉर वन साइड ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज फॉर लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, देन डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स ऑन करस्पॉन्डिंग अदर साइड दैट इज फ्रॉम माइनस बीटा से माइनस अल्फा विल बी अब देखना क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट will be g of minus x if fx is even, and this will be minus times g of minus x if fx is odd, ठीक है, समझ में आया क्या होगा। देखो और क्लियरिटी आएगी कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए क्या याद रखेंगे कि हमें y एक्सिस के एक साइड की डेफिनेशन दे रखी है, ग्राफ से मतलब नहीं, अभी ग्राफ नहीं, अब मुझे डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी मतलब जैसे ऐसे बोल रखा है, लेट्स से
मुझे चलो ये कर्वे y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ही दे रखा है, y उसने बोला है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है उन्होंने, पॉजिटिव मतलब y एक्सिस की एक साइड पे, और फिर बोला है कि दूसरी साइड पे ग्राफ क्या होगा, दूसरी साइड पे डेफिनेशन क्या होगी, ग्राफ से मतलब डेफिनेशन क्या होगी। तो उसने क्या बोला कि अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है तो डेफिनेशन होगी माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, तो इसमें रख दो तुम माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स तो तुम्हारा आ जाएगा। अगर फंक्शन इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है? तो इसके आधार पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल लिख लेते हम, तब मैंने बोला ज्यादा क्लियरिटी आएगी एज कंपेयर टू अभी। देखना एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस टू इन डोमेन 1,5, देन फाइंड एफ एक्स, देन फाइंड एफ एक्स इन द इंटरवेल -5 to -1 यूनियन 1 to 5 इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो अगर वो नोट पता है तो ये एक ही लाइन का आंसर है, मतलब एक मतलब विद 10 सेकंड के अंदर तुम आंसर लिख दोगे। उसने क्या बोला है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है? ऑफ कोर्स अभी ये जो फंक्शन लिखा है, एट प्रेजेंट व्हाट एवर इज रिटन दिस इज नॉट इवन और ऑड, ठीक है ना? अभी नहीं है, बट उसने बोल दिया कि ये इवन है। देखो फॉर एंटायर डोमेन इट इज नॉट इवन, इधर इवन और ऑड, बट फॉर उसने बोला है कि ये फंक्शन इवन है, उसने बता दिया, और उसने इस ये इसकी डेफिनेशन इसके लिए इतने पार्ट के लिए दी है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने इसके पहले लिखवाया था कि एफ ऑफ एक्स अगर जी एक्स के बराबर है फॉर अल्फा कॉमा बीटा, और मुझे अब माइनस बीटा का माइनस अल्फा के लिए लिखना है, तो क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, सॉरी इवन के लिए है तो माइनस हटाऊंगा जी ऑफ माइनस एक्स। तो मैंने क्या लिखा, देखो डेफिनेशन क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस टू फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू 1,5, ये तो डेफिनेशन दे ही रखा है फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव के लिए क्या करूंगा, माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, ये मेरा जी एक्स है, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू -5 से -1। तो ये हो गया मेरा आंसर, फंक्शन की डेफिनेशन फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस ये आ गई। दिस इज बेसिकली व्हाट, लिख लो इधर प्रॉपर से, ये मेरा क्या था जी ऑफ एक्स, और ये मेरा क्या है जी ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है चलो, तो वीडियो पॉज करो, एक नोट और लिखते हैं, इसके बाद हम फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो पॉज करो, ठीक है? अब सुनना नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट रेंज से रिलेटेड है, और वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट और एक्स ओरिजिन के अबाउट फॉर इवन एंड ऑड रिस्पेक्टिवली। तो क्या है नोट, पहले लिख लेते हैं। देखो क्या है कि अगर मान लो मेरे को ग्राफ दे रखा है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड पे अगर किसी फंक्शन है उसकी रेंज अल्फा कॉमा बीटा दे रखी है। क्या बोला मैंने, देखो पहले मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ। मैंने बोला कोई फंक्शन है लेट से ये, और इसकी रेंज मुझे फॉर पॉजिटिव कोई भी एक साइड पे, लेट से मैं पॉजिटिव साइड पे ले रहा हूँ, लेट से अल्फा से बीटा दे रखी है, ठीक है, रेंज अल्फा से बीटा दे रखी है, तब मैं क्या बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, नेगेटिव एक्सिस मतलब ऐसे बोलूंगा कि इफ फंक्शन इज इवन, इफ फंक्शन इज इवन देन ओवरऑल रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी डैश। सुनना क्या बोला, इफ इफ रेंज ऑफ एफ एक्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस इज अल्फा कॉमा बीटा देन द रेंज ऑफ फंक्शन विल बी डैश। क्या होगा खुद सोचो, मैंने बता दिया फंक्शन इवन है तो ऑफकोर्स क्या होगा, अगर हम हमें पता है कि जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो ये भी क्या करेगा, अभी भी अल्फा बीटा पे प्रोजेक्शन ही आएगा, रेंज क्या होता है ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो अभी भी इस ग्राफ का प्रोजेक्शन क्या आएगा अल्फा कॉमा बीटा, तो ओवरऑल रेंज क्या होगी इसकी अल्फा कॉमा बीटा ही रहेगी, कब, जब फंक्शन इवन है। लेकिन अगर ऑड हुआ फंक्शन तब बताओ रेंज कितनी होगी इसकी। तो सुनो अब क्या करेंगे हम, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे इसके अबाउट, तो ऐसा कुछ तो आएगा। अब ये कितना आएगा हमारा, दिस इज अल्फा, दिस इज ये वाला, ये कितनी आएगी माइनस अल्फा,
और ये कितना आएगा, माइनस बीटा। तो रेंज कितनी हो जाएगी हमारी ओवरऑल, क्या लिखूंगा मैं, माइनस बीटा से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से बीटा। ये कब, व्हेन एफ एक्स इज ऑड, इसके आधार पे हम एक एग्जांपल करेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और रेंज क्या बोलूंगा, अल्फा कॉमा बीटा इफ एफ एक्स इज इवन। दोबारा सुनना एक बार अच्छे से सुनो, क्या बोला मैंने कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी रेंज दे रखी है मुझे अल्फा से बीटा फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर फॉर नेगेटिव एनीथिंग, कोई भी चलेगा। तो मैंने लिखा इफ रेंज ऑफ एफ एक्स ऑन वन साइड ऑफ वाई एक्सिस ऑन वन साइड ऑफ वाई एक्सिस इज लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, देन द रेंज of function will be first part, ये हो गया second ये, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं, उसने बोल रखा है कि एक साइड ऑफ y एक्सिस पे उसने रखा है फंक्शन का रेंज इज अल्फा कॉमा बीटा, लेट्स से 2 से 3। अब बोल रहा है ओवरऑल रेंज क्या होगी फंक्शन की, तो फंक्शन अगर इवन है तो ओवरऑल रेंज भी यही होगी बस, ठीक है ना। अगर ऑड है तब रेंज क्या होगी, अगर लेट्स से ये 2.3 था तो इधर और क्या ऐड हो जाएगा, -3 से -2। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, इससे रिलेटेड कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके, तो दिस विल बी अवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज। तो क्या बोला उसने, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, जैसे कि अगर सबसे पहले जो क्लिक करना चाहिए, अभी तक हम जो भी रेंज में मेथड बताए थे तो उसमें जो लास्ट मेथड था दैट इज AMGM, वो तो मैं क्लिक करना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज इन एडिशन फॉर्म एज वेल एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बिकॉज व्हेन आई विल टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इट विल बी अ कॉन्स्टेंट पार्ट। बट उधर दिक्कत यहाँ क्या है कि हमें जो AMGM वाला मेथड था, जब मैंने उधर नोट करके लिखवाया था कि कब लगाते हैं, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ए और बी पे लगा रहा हूँ, देन A and B should belongs to positive real numbers, clear है? But इधर तो मुझे ऐसा नहीं पता ना, x cube तो positive भी होता, हो सकता है negative भी हो सकता है। हाँ, अगर मान लो x cube की जगह इधर अगर x square दिया होता या x की power 4 दिया होता, तब मेरा method work कर जाता, तब कोई दिक्कत नहीं होती। But x cube can be positive and negative, तो फिर हम कैसे निकालें? तो AMGM वाला method तो नहीं लग पा रहा इधर directly। अब क्या किया हमने, इससे पहले वाला note use किया। क्या note use किया? अब देखो, ये तो clearly दिख रहा है कि function odd है, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 9/x³। तो माइनस बाहर आया तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑड है। अब मैं इस फैक्ट का यूज करूंगा, क्या करूंगा मैं, पॉजिटिव y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे इसकी रेंज निकाल लूंगा। एंड अगर मान लो वो लेट से 2 से 3 आई या चलो अल्फा से बीटा आई, तो इस फंक्शन की सिंस इट इज ऑड, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी रेंज क्या होगी, माइनस बीटा से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से बीटा। तो समझ में, एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस नोट कि अगर फंक्शन ऑड है तो मुझे पूरा पूरे वाई एक्सिस पे रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो रेंज है किसी भी एक साइड निकाल लेंगे, लेट्स से मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड निकाली, उसी की मदद से हम पूरी रेंज लिख देंगे यूजिंग प्रीवियस नोट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वैसे भी नहीं रख सकता, तो मैं केवल पॉजिटिव एक्स के लिए पहले हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, जो मेरा एक्स क्यूब होगा और 9/x³ होगा, दीज बोथ आर पॉजिटिव, हैज अप्लाइंग AMGM, तो लिख लो इधर अप्लाइंग AMGM ऑन दीज टू नंबर्स, तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस 9/x³ a+b/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज 9^1/2। इधर से मेरा क्या आया, x³ प्लस 9/x³ ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, डोंट राइट प्लस माइनस 2, पहले ही बताया बेसिक मैथमेटिक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी If defined, it is non-negative. So 2 × 3 = 6. तो क्या है इससे रेंज, और मुझे दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, बिकॉज ये इन्फिनिटी होगा, ये जीरो को जाएगा, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, फॉर पॉजिटिव एक्स हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 6 क्लोज से इन्फिनिटी। अब वो फैक्ट यूज करूंगा प्रीवियस नोट कि सिंस फंक्शन इज ऑड, देयरफॉर इन आवर ओवरऑल रेंज विल बी, ओवरऑल रेंज विल बी, क्या बोला मैंने, क्या होगा, ये देखो ऐसा हो रहा है ग्राफ, मतलब लेट्स से ये 6 से इन्फिनिटी ऐसा जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ तो हो रहा होगा, इधर -6 ये 6, तो 6 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -6,
ओवरऑल रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स क्लोज यूनियन सिक्स से इंफिनिटी. सो दिस इज द आंसर. सो समझ में आया, रेंज का कैलकुलेशन में भी हमारा प्रीवियस नोट यूज हो गया. मैंने बोला था ना इवन ऑड का बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इन इवन ऑड. डायरेक्ट उसने इवन ऑड नहीं बोला, उसने रेंज पूछा है, उसमें हमारा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ. क्लियर है बच्चों? चलो इसको वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ. जैसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, तो चलो पहले एक दो एग्जाम्पल हम ओरली बता ओरली कैलकुलेट करने वाले लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ थोड़े लेंथी क्वेश्चंस देखेंगे. तो लेट्स से मैंने लिखा, थोड़ा फास्ट जाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर प्लस फाइव. क्या होगा मेरा? फास्ट लिखना हमें, ये इवन है, ये इवन है, प्लस ये भी इवन है, तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल इवन. फिर मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ऑड इनटू ऑड इवन इवन होगा. फिर मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ फोर प्लस एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स. जस्ट थिंक इट, क्या होगा? देखो वेन यू विल कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आर्ग्यूमेंट और जो उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर वो इंटरचेंज हो जाएंगे. फिर न्यूमरेटर को और डिनोमेटर को पलट सकते हैं, नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाते हैं. जैसे एल एन ऑफ ए बाई बी कितना होता है? माइनस ऑफ एल एन ऑफ बी बाई, तो ओवरऑल क्या आएगा? ये ऑड. और वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, उसमें ऐसे लिखा था ये एल एन ऑफ फोर प्लस एक्स माइनस एल एन ऑफ फोर माइनस एक्स. अब ये एफ एक्स है, तो ये क्या है? माइनस ऑफ, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? अभी पढ़े थे हम थोड़ी देर पहले, ऑड होता है. ऐसे लिख लो चाहे. फिर मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स. क्या होगा? सोचो, इवन होगा. करके देख लो, एक्स के माइनस एक्स रखोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा बस. लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता यही चीज वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स, तब ये मेरा कुछ नहीं है, ना इवन है ना ऑड है. बिकॉज व्हेन यू इंटरचेंज, तो ये तो वन प्लस एक्स बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा? टू माइनस एक्स. तो क्या ये इसी के बराबर आया? नहीं. अच्छा मैंने और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट है. एक काम करता हूँ, पहले तो मेरे को इसको कॉपी कर लो, मैं ऊपर से लिखता हूँ. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो. देखना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, और जो फंक्शन जो लिखने वाला हूँ मैं अभी, वो बहुत जगह यूज होगा, स्पेशली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, और भी कई जगह यूज होगा, बट स्पेशली इन इंटीग्रेशन. उसका हम इंटीग्रेशन निकालना भी सीखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, अभी नहीं बाद में. तो मेरा एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना स्टार मार्क. ठीक है, क्या जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में? Neither even nor odd. देखो जब भी ln आता है ना, तो we have to be cautious. मतलब हम directly x को minus x replace करके एक ही step में नजर से देखें कि नहीं बताएंगे कि नहीं यार बराबर नहीं आ रहा, या negative of fx नहीं आ रहा, तो neither even nor odd तुरंत नहीं बोलेंगे. हम थोड़ा simplify करेंगे, कुछ log की properties लगाएंगे. हो सकता है इस format में मुझे दिख नहीं रहा हो same है, but हो सकता है कुछ properties लगा के उस format में आ जाए. क्लियर है बच्चों? इसलिए जैसे अब इधर ही देख लो, अगर मान लो तुमने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो इधर क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो फिर तुम्हें लगेगा यार ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, ना एक दूसरे के नेगेटिव है, हैंस द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. बट आंसर इज रॉन्ग, एक्चुअल द आंसर इज द फंक्शन इज ऑड. ठीक है, वीडियो पॉज करो एक बार, एक्स के माइनस एक्स रिप्लेस करो और फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, देन यू विल सी कि सिंप्लीफाई करते करते यही आ जाएगा, नेगेटिव आएगा इसका, एक्चुअली बाहर एक माइनस आ जाएगा. मैं इसको करता हूँ अभी. तो देखो क्या लिखा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, ये कितना है एल एन ऑफ, तो मैं इसको इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, इधर माइनस एक्स रखूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्क्वायर है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आया माइनस एक्स. ठीक है, अच्छा इसको वैसे करने का एक और तरीका भी है, क्या करो तुम लोग, इन दोनों को ऐड कर दो. चलो मेथड वन, देखो अभी क्लिक किया, एक मेथड क्या है, जैसे मैंने क्या किया, पहले मैं इसको ही कर रहा हूँ सिंप्लीफाई. तो देखना अब मैं क्या करूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ. तो देखना क्या करूँगा रैशनलाइज करने के लिए, इसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यही चीज डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब देखो न्यूमिनेटर में क्या बचा, दिस इज माई मेथड वन. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो एल एन ऑफ न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन, और नीचे क्या बचा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. नाउ यू कैन सी कि एल एन ऑफ वन बाय समथिंग क्या होगा, माइनस ऑफ एल एन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये मेरा क्या है एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, हैज द फंक्शन इज ऑड. क्लियर है?
अच्छा एक और, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एक और मेथड इसी के लिए, एक और कैलकुलेशन, देखना क्या करूंगा मैं, सुनना मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ जो रैशनलाइज किया था मैंने, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो इफ आई विल ऐड, तो इधर क्या आएगा एफ एक्स, इधर क्या आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। नाउ सी इधर ln a प्लस ln b वो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या होता है ln a प्लस ln b क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए भी हो जाता है, तो दिस इंटू दिस करूंगा, तो अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा वन, और एल एन वन क्या होता है जीरो, तो इधर से मेरा एक ही लाइन में आ गया एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स एज अ फंक्शन इज ऑड। तो ये ज्यादा आसान रहा कि दोनों इक्वेशन को ऐड करो एक्स को माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करने के बाद। तो सच क्वेश्चन आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुम फास्ट कैलकुलेट मतलब तुरंत जवाब देते तो तुम्हें लगता है इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, बट एक्चुअली क्या निकला हमारा ऑड, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पहले तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, डायरेक्टली बोलोगे तो 100% गलत रिजल्ट दोगे तुम, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करके देखा देखा उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश किया हमने। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैं इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या करें हम, ऑफ कोर्स f ऑफ माइनस x निकालेंगे, तो ये आएगा 2 की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। फिर इसको अभी तुरंत नहीं बोला, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, हेंस द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, सिंप्लीफाई तो करो पहले इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपॉन 2 की पावर x लिखा उसको, और इसको लिखा 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x इसका होल स्क्वायर। This is 1 upon 2 की पावर x upon, इधर LCM दिया तो 2 की पावर x plus 1 इसका स्क्वायर, और इधर आएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। Now you can see x से ये गया, तो it is left out with 2 की पावर x upon 1 plus 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, f of x के बराबर, तो f of minus x f x के बराबर आ गया, hence the function is even, clear हुआ। तो इधर देखने से नहीं लग रहा था, but simplify किया तो हमारा आ गया, hence the function is even, clear है बच्चों। चलो अब हम और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो चेंज कर रहा हूँ वो क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर था ना उसको नाउ आई विल टेक क्यू, तो देखना फर्क क्या पड़ता है, देखते हैं इवन रहता है ऑड रहता है कि कुछ भी नहीं है। तो लेट्स से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, तो अगेन एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, सो दिस विल बी 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का होल क्यू। इधर ही लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, और इधर हो गया एलसीएम लेने पे 2 की पावर x प्लस 1 इसका होल क्यूब अपॉन 2 की पावर x का होल क्यूब, ये स्क्वायर और ये एक टाइम गया, तो ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया 2 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल क्यूब। क्या दोनों बराबर है, नहीं बाबा, न्यूमरेटर में इधर क्या लिखा है 2 की पावर x, इधर क्या लिखा है 2 की पावर x का स्क्वायर, हेंस दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो लिख लो इसको नीदर इवन नॉर, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट एग्जांपल देख रहा हूँ, देखना एग्जांपल है, आई विल कॉपी दिस एग्जांपल, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी तुम लोग वीडियो पॉज करके 100% ट्राई करो, सच क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चंस होते ट्रिकी एक्चुअली, जो मैं लास्ट में जो दो चार एग्जांपल ले रहा हूँ, पांच इसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा, ये लास्ट के एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली दिस वन वेरी गुड क्वेश्चन, तो जनरली बच्चे लोग इसमें क्या लिखते हैं, फंक्शन देख के यार ये तो इवन है ये ऑड है, और ये ना इवन है ना ऑड है, तो यार इन सब का एडिशन तो कुछ कह नहीं सकते, जनरल स्टेटमेंट, बट जब तुम एक्स के माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे ना, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, देन यू विल सी कि ये आ जाएगा, ये फंक्शन हमारा ऑड इवन आने वाला है, ठीक है। चलो मैं इसको बताता हूँ, तुम लोग खुद से करो एक बार, ठीक है ना। तो मैंने लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, ये माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाई किया माइनस एक्स अपॉन ये हो गया वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। फिर ये इधर ही लिख लेता हूँ, तो माइनस एक्स और ये ई की एलसीएम लूंगा तो ई की पावर एक्स ऊपर जाएगा, तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक भी बच्चे सिंप्लीफाई करके फिर कमेंट कर देते नीदर इवन नॉर ऑड, बट और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर वाले पार्ट को रब करता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। तो देखना जैसा कि मैंने बोला, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या किया, जैसे इधर मेरा माइनस एक्स लिखा, तो माइनस एक्स को तो मैंने बाहर लिखा, और उधर न्यू चलो एक काम करते हैं, इसको ई की पावर एक्स माइनस एक्स लिख लेते हैं, ऊपर मैं
वन माइनस ई की पावर एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स, वही चीज लिखा है, बस एक माइनस से ऊपर इस माइनस को नीचे लेके गया। आप देखना क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जो लिखा है वो बनाने की कोशिश की, तो क्या करूँ, माइनस वन प्लस वन, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन, और नीचे वही लिखा है ई की पावर एक्स माइनस वन और माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। अब देखना, अब सेपरेट किया तो जाएगा एक्स, इतने पार्ट को एक साथ रखा, अपॉन एक्स अपॉन ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा पहले वाले के, फिर दूसरे का साथ आएगा एक्स इंटू वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन और माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। अब एक्स माइनस एक्स बाय टू क्या होगा, एक्स बाय टू, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। वेरीफाई सेम आ रहा है कि नहीं, तो देखा कितना ट्रिकी पार्ट है। तो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर आ गया, हैज द फंक्शन इज इवन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब एग्जाम होंगे ना तो ये स्टार वाले क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ स्पेशली स्टार मार्क करने को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम उसको, ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, काफी हो गया आज, तो मैं रैप करता हूँ, हम लोग कॉपी करो, वही फंक्शन को पहचानना है कि इवन है ऑड है। अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सुनना, अब क्या किया, तो डेफिनेटली जब भी इवन ऑड का क्वेश्चन आएगा ना, सभी क्वेश्चन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आया कि इवन है ऑड है, एक्स को माइनस एक्स से तो करेंगे ही करेंगे, पहला स्टेप तो हर एक एग्जांपल में होगा वो। तो क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आया हमारा साइन ऑफ माइनस पाई एक्स आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। तो अभी तो कुछ चमक नहीं रहा है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, किसकी, जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की। अब खुद सोचो, पूरी प्रॉपर्टी जो भी मैंने लिखवाई थी उसमें एक ही जगह यूज था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, रिकॉल करो, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये जीरो कब होता है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, रख के देख लो, जैसे फाइव रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फाइव इज फाइव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस फाइव इज माइनस फाइव, तो फाइव माइनस फाइव इज जीरो, क्लियर है। और जब मेरा एक्स इंटीजर नहीं होता था, एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तब क्या होता था मेरा, उसके लिए मैं क्या करूं, बेस्ट एग्जांपल रख के देख लो, जैसे मैंने 2.4 रखा, तो ये 2.4 हुआ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेफ्ट इंटीजर माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, तो दिस इज माइनस 1, तो ये चीज यूज करेंगे हम। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया, इसके बाद अगेन अगर तुम्हें क्लिक करता है तो वीडियो पॉज करके ये ट्राई ऑन योर ओन, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप सुनना। अब इसके एनालिसिस के लिए देखो, इधर भी एनालिसिस कहाँ ब्रेक हो रहा है, इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको भी हम दो तरह की दो पार्ट में एनालिसिस को ब्रेक करते हैं, एक फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू इंटीजर एंड फॉर एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो मैं इसका एनालिसिस को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर है तो ये खत्म ही है, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया हमारा, जीरो, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा फंक्शन क्या है, वो तो जीरो हो गया, ये एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया। चलो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एफ एक्स को लिखो, अगर एक्स इंटीजर है तो साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ पाई क्या होगा, जीरो, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा उससे मतलब ही नहीं हमें, ऑफकोर्स डिफाइन होना चाहिए, और डिफाइन तो हमेशा होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो माइनस हाफ तो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज द इंटीजर पार्ट, तो डिनोमिनेटर जीरो होगा नहीं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं करने की बात है। फिर न्यूमरेटर देखा, और न्यूमरेटर एक्स अगर इंटीजर है तो ऊपर क्या लिखा है, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई विच इज जीरो, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आया मेरा। अब आते हैं हम ऑड के लिए, सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर के लिए क्या होगा, ग्रेट, अब देखना, अब एफ ऑफ माइनस एक्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये कितना आया माइनस साइन, ऊपर तो लिखा है पाई एक्स अपॉन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं, उधर माइनस वन, देखना ध्यान से, माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इस वाली डेफिनेशन से इसको लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को, और प्लस हाफ तो लिखा ये। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन माइनस वन प्लस हाफ इज माइनस हाफ, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऊपर और नीचे का माइनस कैंसिल किया तो क्या आएगा, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो ये क्या आ गया हमारा, एफ एक्स ही आ गया, सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स।
तो देखो उसने क्या बोला, फंक्शन मेरा इंटीजर्स पे तो जीरो है और बाकी सभी जगह जो मेरा फंक्शन है fx, वो सॉरी f ऑफ माइनस x वो fx के बराबर ऑड है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स ऑड होगा। जैसा जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हमारा sin x एग्जांपल ले लो, sin x क्या होता है इंटीग्रल sin ऑफ पाई x, चलो ऐसे ले लिया sin ऑफ पाई x, इंटीजर्स पे तो जीरो होता है और बाकी सभी जगह ऑड, f ऑफ x विल बी माइनस साइन f ऑफ माइनस x, तो दिस इज व्हाट ऑड ना, हेंस दिस फंक्शन विल बी ऑड। क्लियर है बच्चों? तो फिर इवन ऑड हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए काफी है, अगर कोई भी दिक्कत आता है किसी भी प्रकार का किसी भी एग्जांपल में, या फिर तुम्हें कोई अल्टरनेटिव अप्रोच मिलता है किसी पर्टिकुलर के लिए और तुम उसमें अटकते हो या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि उसमें गलती क्या है, यू कैन सेंड मी योर सॉल्यूशन, आई विल वेरीफाई इट। ठीक है बच्चों? तो फिर आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है ना? चलो फिर, अब दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।